शुरुआत मेरे बचपन से ही पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा वो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जब लॉकडाउन लगा उस टाइम सारे घर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो मुझे भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला। मैंने मेरी पेंटिंग पे कंसंट्रेट किया, जो मैं बचपन से ही बहुत करना चाहता था। मैंने पहले पेंटिंग बनाई वो बहुत लो लेवल की बनती थी, जैसे जैसे उसके ऊपर और ध्यान आकर्षित करता गया मेरी, वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक स्केच बनते गए और उससे ही मेरे और ज़्यादा इंटरेस्ट आया और आज मैं रियलिस्टिक स्केच बनाता हूँ। इसको मैं नरेंद्र मोदी जी के कार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, वो चाहे कोई भी कार्य हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश के लिए उन्होंने जो कार्य किए, देश के विकास के लिए जो कार्य किए, उन सब कार्य से ज़्यादा प्रभावित था। उससे मैंने कोई मैं दो चार बड़े आर्टिस्ट के स्केच देखता था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा कि इस टाइप के एडिटेड स्केच बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो मैंने उस स्केच को लिया और नरेंद्र मोदी जी की 4-5 और ज़्यादा फोटो ली और उसको उस स्केच में डाला और उनके जो भी जनहित कार्य थे उन सबको आर्य को उस स्केच में डाला और मैंने स्केच बनाए। क्या क्या उसमें? उज्ज्वला योजना है, प्रभु राम का मंदिर है और नरेंद्र मोदी जी की एक फ़ोटो है उनकी उनके माँ के साथ में, एक नरेंद्र मोदी जी की लॉकडाउन की दाढ़ी बड़ी हुई फ़ोटो है, एक उज्ज्वला योजना की फ़ोटो है और कश्मीर की फ़ोटो है इसमें, और 3 तलाक की फ़ोटो है, स्टेज यूनिटी है और रफाल है। तो अब जब फोटो वायरल हो गया, लोग आ रहे पूछने के लिए, तारीफ कर रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं इससे पहले भी बहुत ज़्यादा स्केच बना चुका हूँ, लेकिन वो इतनी पॉपुलरिटी में तो किसी स्केच में नहीं मिली जितनी इसमें मिली है।